तो गाइस आपने जो आरओजी वाला की लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें मैंने अनबॉक्सिंग एंड एक अपना ओवरव्यू बताया था, इसके बिल्ड वगैरह के बारे में बात की थी कि आरओजी वाला कैसा है, अनबॉक्सिंग डब्बा खोल के दिखाया था क्या क्या है उसमें। वो वीडियो अराउंड 10 दिन पहले मैंने अपलोड की थी और ये वीडियो अराउंड 10-12 दिन बाद आपको मिल रही होगी। रीजन क्योंकि 10-12 दिन तक मैं इसे अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट कर रहा था भाई। जैसे ले लो ट्रैवलिंग में इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, बैटरी बैकअप क्या रहता है, अलग अलग जो पावर है इस पर क्या बैटरी बैकअप रहता है। उसके अलावा बात कर लेंगे अगर आप मॉनिटर से कनेक्ट करते हो, कीबोर्ड माउस के साथ गेमिंग करते हो तो कैसा एक्सपीरियंस आपको देता है, क्या ये डेस्कटॉप जैसा एक्सपीरियंस देगा या एक नॉर्मल हैंडहेल्ड गेमिंग पीसी की तरह ही देगा। उसके अलावा मैंने देख सकते हो निंटेंडो भी यहां पे रखा हुआ है, तो निंटेंडो वगैरह जो है, स्टीम डेक जो है, उनके कंपैरिजन में भी मैंने देखा कि क्या इसमें कमियां है क्या अच्छाइयां है, वो सारी चीजें मैंने एनालाइज करके रख ली है। और ये वाली वीडियो में आप देखने वाले हो इसका ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, एक बेंचमार्क टेस्ट और गेम प्ले एंड ऑल। लास्ट में आपको कंक्लूजन बता दूंगा क्या चीजें सही है इसमें क्या चीजें खराब है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसके बाद भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ अनबॉक्सिंग एंड ऑल ही दिखाया है, थोड़ा सा बिल्ड वगैरह के बारे में बात की है, तो इसके बाद वो देख लेना, बट ये वाली वीडियो को पहले पूरा देख लो भाई। एंड हाँ गाइस, हम बहुत ही जल्द इसका कंपैरिजन लाने वाले हैं निंटेंडो के साथ में और स्टीम डेक के साथ में भी, तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो कुछ इसके स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके एपीयू के बारे में, मतलब सीपीयू इंटीग्रेटेड विद जीपीयू। तो इसमें आपको मिलता है एएमडी राइजन Z1 वाला एक्सट्रीम वाला एपीयू। अब ये जो है एपीयू आपका 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स का है। इसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 3.3 गीगाहर्ट्ज टू मैक्सिमम ये क्लॉकेबल है 5.10 गीगाहर्ट्ज तक। इसकी टीडीपी की बात करें तो ये 40 वाट का है, बट इस कंसोल में आपको सिर्फ मैक्सिमम 35 वाट तक मिलेगा विद डायनेमिक टर्बो बूस्ट। यानी जब आप चार्जर प्लग करोगे तब आपको 35 वाट मिलेगा, जब चार्जर नहीं प्लग करोगे तो आपको मैक्सिमम 25 वाट ही मिलेगा। तो यहां पे आप समझ सकते हो कि चार्जर नहीं प्लग करने और प्लग करने में थोड़ा बहुत गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस आएगा। और इसका जो जीपीयू इंटीग्रेट किया गया वो एएमडी रेडियन RDNA 3 मॉड्यूल वाला एपीयू, और बाय डिफॉल्ट इसकी जो वीरैम रहती है ना वो 4GB पे सेट रहती है, और इसे आप आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर में जाके ना इसे 8GB तक भी कर सकते हो, जो कि आपके अंदर की रैम को ही यूज करेगा। एंड उसके बाद रैम की बात कर लें तो रैम यहाँ पे आपको 16GB की LPDDR5 वाली रैम मिलती है, जो कि सोल्डेड रैम होती है। रैम की फ्रीक्वेंसी रहेगी 6400 MHz वाली। स्टोरेज की बात कर लें तो यहाँ पे आपको 512GB की Gen 4 SSD मिलती है। रीड एंड राइट स्पीड आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जो कि ओरिजिनल Gen 4 जो लैपटॉप वगैरह में होती है उससे थोड़ी सी कम ही रहेगी। और हाँ, एक और चीज बता दूं, इसकी रैम जो रहेगी वो सोल्डेड रहेगी, तो रैम वगैरह अपग्रेड आप इसमें नहीं कर पाओगे। नाउ बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इसमें आपको मिलती है 7 इंचेस की फुल HD वाली डिस्प्ले, जो कि मल्टी टच को भी सपोर्ट करती है। और ये डिस्प्ले का ब्राइटनेस रहेगा 500 nits की, और इसमें आपको 100% sRGB मिलती है। और भाई ये डिस्प्ले में सबसे अच्छी चीज है कि इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है, तो गेमिंग वगैरह जो भी आप हाई रिफ्रेश रेट में इसमें कर सकते हो। और डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन मिल जाता है, मतलब कभी हाथ से गिर भी जाए तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। और बिल्ड क्वालिटी तो काफी स्टर्डी है ही। नाउ बैटरी की बात करें तो बैटरी इसमें आपको 40 वाटर की मिलती है। अब देखो 40 वाटर की बैटरी छोटे से डिवाइस में दी गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइट वेट भी रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स की मैं बात करूंगा जो कि बैटरी को लेकर है। अगर आप यहाँ पे 25 वाट पे इसे यूज करते हो तो बैटरी आपकी हार्डली 50 मिनट लास्ट करती है भाई। और यहाँ पे अगर आप 15 वाट पे विद मीडियम ब्राइटनेस एंड ऑल RGB वगैरह ऑफ करके यूज करते हो तो भी हार्डली 1 घंटे 40 से 45 मिनट तक ये लॉन्ग लास्ट करती है। अब बैटरी मेरे को एक प्रॉब्लम फैक्टर इसलिए लगता है क्योंकि भाई ये डिवाइस ना आप लेते हो कि कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे गेमिंग वगैरह कर लूँ, तो भैया सिर्फ 50 मिनट के गेम प्ले के लिए आप इसे कैरी करके ले जाओ, फिर बस 50 मिनट खेल के क्या ही मजा आएगा। सोचो आपको एक एक्सटर्नल पावर प्लग फिर से देना ही होगा जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से बैटरी थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी, एटलीस्ट 2 घंटे का बैटरी बैकअप तो इसमें मिलना चाहिए था यार। भले थोड़ा सा भारी बना देते चलता, बट बैटरी बैकअप थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था जहां तक मुझे लग रहा है। नेक्स्ट बात कर लेंगे इसके थर्मल की, तो थर्मल इसमें आपको अच्छे खासे दिए गए हैं। यहाँ पे बैक साइड में 2 फैन आपको मिल जाते हैं, और जो दोनों फैन का जो हीट डिसिपेशन है वो यहां से ऊपर की तरफ से निकलता है। और आरओजी ने इसको नाम दिया है 0 ग्रेविटी थर्मल सिस्टम, मतलब कि किसी भी एंगल से आप इसे होल्ड कर लो ये अपना काम करते रहेगा भाई। और एक और अच्छी चीज है ना कि ये जब भी इसके थर्मल्स का हाइट डिसिपेशन होता है ये ऊपर की तरफ निकलता है, ना कि नीचे की तरफ की आपको ही उल्टा गर्मी दे, तो ये एक बढ़िया चीज है। और ऑब्वियसली सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह आपको मिलता है, और वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। सो ये तो नंबर एंड ऑल की बातें हो गई, जो लिखी पढ़ी बातें कह सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल चीजों पर आ जाते हैं, जो कि हमारा परफॉर्मेंस एंड गेम प्ले, जिसे हम कहते हैं अग्नि परीक्षा। तो गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ गेम्स इसमें ना सिर्फ आप कीबोर्ड माउस से खेल सकते हो, गेम पैड से नहीं खेल सकते। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं वैलोरेंट, आप इसमें गेम पैड से नहीं खेल सकते, आप कीबोर्ड माउस से खेल सकते हो।
तो गाइस यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, मैंने जैसे इसके बायोस को अपडेट किया तो यहाँ पे मेरे को एक और ऑप्शन ऐड हो गया अपार्ट फ्रॉम विंडोज साइलेंट परफॉर्मेंस टर्बो, जो कि इसके पावर के मोड्स हैं। यहाँ पे हमको एक मैनुअल का मोड मिल जाता है जिसमें आप अपने इस कॉन्सोल को ओवरक्लॉक कर सकते हो, लेकिन ओवरक्लॉक करके जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना तो वो लिखता है कि भाई ये आपके अपने रिस्क पे है, कुछ भी हार्डवेयर डैमेज हुआ तो उसके लिए ब्रांड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक है SPL सस्टेन पावर लिमिट, एक है SPPT ये है स्लो पैकेज पावर ट्रैकिंग लिमिट, और एक है FPPT फास्ट पैकेज पावर ट्रैकिंग लिमिट। तो इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ 30 वॉट मैक्सिमम तक देख सकते हो फास्ट वाला हमारा लिमिट जाएगा, बट गेम में इससे भी ज्यादा तक जा रहा है वो आप खुद ही देख लेना। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो Cinebench R23 का जो मल्टी कोर का स्कोर है वो हमारा 14106 PTS है, और सिंगल कोर का स्कोर हमारा 1753 PTS है। देख सकते हो भाई स्कोर काफी अच्छा है यार, ये i7 12 जेन के अप्रॉक्सिमेटली इक्वली माना जाएगा। बाकी GPU स्कोर की बात करते हैं, हमें देख सकते हो 3D Max TimeStar का स्कोर आपके स्क्रीन के सामने जो कि 3125 है। अब APU है तो उस हिसाब से GPU का स्कोर तो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, बट डेडिकेटेड CPU का स्कोर यहाँ पे देखो तो 8251 है, तो वो भी ठीक ठाक है। बाकी PC Mark 10 के स्कोर की बात कर लें तो 7077 स्कोर आया। अब ये जो स्कोर होता है ये एसेंशियल क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का एक ओवरऑल स्कोर होता है। अब ये स्कोर इंडिविजुअल भी देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज में क्या है। अब इस स्कोर के हिसाब से आप एडिटिंग वगैरह भी जज कर सकते हो कि हाँ इसमें अच्छी खासी एडिटिंग हो जाएगी, क्योंकि इसका प्रोसेसर भी अच्छा खासा पावरफुल है। इसके बाद बात करेंगे स्पीकर की, तो स्पीकर भी इसके काफ़ी अच्छे हैं यार, मेरे को तो एक लैपटॉप के स्पीकर के बराबर किसके स्पीकर लगे, आप खुद ही सैंपल सुनो। सो अभी फाइनली इसमें गेम रन कर लेते हैं, और सबसे पहले हम वही वैलोरेंट रन करेंगे। बाकी इसमें सेटिंग्स की बात करें तो इसमें जो ग्राफिक सेटिंग्स आपकी रहेगी यहाँ पे देख सकते हो हमने सारी सेटिंग्स को हाई पे रखा है, और रेजोल्यूशन देख सकते हो 1080p 120 हर्ट्ज का रखा है, क्योंकि डिस्प्ले हमारा 120 हर्ट्ज का है तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज का ऑप्शन हमको मिल रहा है, और VSync वगैरह हमने ऑफ रखा है, और इस पे हम करेंगे गेम प्ले। चलो और भाई ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो ना ये मैं इसी के स्क्रीन में कर रहा हूँ, कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटर नहीं कनेक्टेड है, मैं इसी में देख के कीबोर्ड माउस के थ्रू गेमिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा गेम प्ले इधर उधर हो सकता है। तो प्लीज़ मेरे को ये मत जज करो कि मैं प्रो हूँ या नहीं वैलोरेंट में, आप लोग गेम प्ले परफॉर्मेंस देखो। ओके सो यार देखो मैंने MSI Afterburner तो लगाया था, बट पता नहीं कि ओवरले में दिखा नहीं रहा था FPS एंड ऑल, ये Ryzen का ग्लिच है या MSI Afterburner का ग्लिच है पता नहीं। और बाकी Valorant के इनबिल्ड जो FPS बताता है उसको मैंने रिकॉर्ड किया है फोन से, देख सकते हो उसमें यहाँ पे FPS दिखाए जा रहे हैं जो कि काफ़ी बढ़िया FPS आ रहा है भाई। और भाई ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हुए आप लोग देख लो कि भाई किस सेटअप में मैं खेल रहा हूँ और कैसे मैंने कीबोर्ड माउस रखा हुआ है, ताकि आप लोग भी आइडिया लग जाए कि नहीं भाई कुछ अलग से मॉनिटर वगैरह नहीं कनेक्टेड है। तो ये रहा वैलोरेंट का गेम प्ले जो आपने देखा अभी, नेक्स्ट जो भी गेम प्ले देखोगे उसमें आराम से आपको MSI Afterburner का ओवरलेज वगैरह दिखेगा। तो नेक्स्ट टाइम हमने इसमें रन किया Forza Horizon 5, और Forza Horizon 5 में भी हमने इसमें ऑपरेटिंग मोड रखा वही टर्बो वाला यानी 25 वॉट पे। 25 वॉट में जो हमने इसकी ग्राफिक सेटिंग रखी है वो मीडियम वाला प्रीसेट यूज किया है, मीडियम वाले प्रीसेट पे अब हम देखेंगे Forza Horizon में क्या परफॉर्मेंस आती है। चलो तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देख सकते हो GPU का जो वॉटेज है वो 42 वॉट तक जा रहा है, जो हमारा टर्बो मोड पे पावर ड्रॉ है वो है 25 वॉट, बट यहाँ पे देख सकते हो मैसे Afterburner 42 वॉट तक दिखा रहा है, और FPS भी 60 के ऊपर का FPS आ रहा है यार Forza Horizon में मीडियम सेटिंग्स पे, मतलब काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस रही है यार Forza Horizon में, और देख ही सकते हो गेम कितना बढ़िया चल रहा है। और आपको ये बता दूं कि जैसे आप Valorant के लिए कीबोर्ड माउस चाहिए होता है वैसे आपको Forza Horizon के लिए कीबोर्ड माउस नहीं चाहिए, आप विदाउट कीबोर्ड माउस Forza Horizon को खेल सकते हो गेम पैड के ही थ्रू इसके। तो ये था ओवरऑल Forza Horizon का गेम प्ले, यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल बेंचमार्क स्कोर आपकी स्क्रीन के सामने है, एवरेज FPS यहाँ पे 64 बताया जा रहा है, और ये मीडियम वाले प्रीसेट पे हमने खेला है, तो आराम से आप ये सेटिंग पे गेम प्ले वगैरह कर सकते हो अपने। सो अगला गेम हमने इसमें रन किया हेलो इन्फाइनाइट, और हेलो इन्फाइनाइट हम हाई वाले प्रीसेट पे इस गेम को रन कर रहे हैं, बाकी FPS वगैरह 120 का हमारा रहेगा देख ही सकते हो। तो चलो इस गेम पे देख लेते हैं क्या हमारी परफॉर्मेंस आती है। तो यहाँ पे हेलो इन्फाइनाइट में देख सकते हो हमारा जो GPU वॉटेज है वो 29 वॉट तक मैक्सिमम जा रहा है, और FPS हमको 42 तक का मिल जा रहा है,
और बाकी यहाँ पे रैम की बात कर लें तो रैम देख सकते हो 9GB तक यूटिलाइज हो जा रही है, तो 16GB रैम समझ ही सकते हो कितना मेजर रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। और बाकी देख सकते हो गेम प्ले बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, और इसे आप गेम पैड से भी खेल सकते हो इस गेम को। और ये जो हेलो इन्फाइनाइट है आप एक्सबॉक्स के गेम पास से डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी में भी, और इस आरओजी एलआई के साथ आपको 3 महीने का एक्सबॉक्स का गेम पास फ्री मिलता है इनिशियली, तो आप उसे भी क्लेम करके अपना गेम्स वगैरह रन कर सकते हो भाई। और फोर्जा हॉराइजन, हेलो इन्फाइनाइट और भी कई सारी ऐसी गेम जो गेम पास में हैं जिन्हें आप खेल सकते हो। तो भाई अगला गेम हमने इसमें रन किया भाई अपना सरकारी गेम GTA 5, और GTA 5 में देख सकते हो हमने जो इसमें सेटिंग रखी है वो अपने आप जो इसने अपना प्रीसेट उठा लिया था वही वाली सेटिंग रखी है। रेजोल्यूशन 1080p का इसने जो अपने से सेटिंग उठाई है वो थी नॉर्मल और वेरी हाई का कुछ मिक्स है, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हो सारी सेटिंग्स वगैरह क्या है। तो इस पे हमने बेंचमार्क गेम प्ले किया, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने क्या रिजल्ट आता है। तो भाई GTA 5 में देखो यहाँ पे 80 तक का FPS आ जा रहा है मीडियम सेटिंग्स पे, और GPU वोल्टेज अगेन हमारा 30 वॉट तक मैक्सिमम जा रहा है। रैम देखो भैया 10GB तक रैम यूज़ हो जा रही है, तो अगेन वही 16GB वाली रैम वाली बात। तो देख सकते हो भाई काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा गेम प्ले एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि एक APU इतना अच्छा गेम प्ले एक्सपीरियंस दे सकता है। और हाँ, GTA 5 भी आप अपने गेम पैड के थ्रू खेल सकते हो, जो इसके जॉयस्टिक्स दिए गए हैं उनके साथ आप खेल सकते हो, कीबोर्ड माउस ऐसा सच नेसेसरी नहीं है। तो चलो अब GTA 5 को ना चार्जर निकाल के गेम प्ले करते हैं और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आता है या नहीं। चलो सो भाई देखो अभी हमने चार्जर को निकाल दिया, आप देख ही सकते हो हमारे कंसोल में कोई भी वायर प्लग नहीं है, तो इसका मतलब ये अभी बैटरी पे चल रहा है। और भाई बैटरी पे भी देखो कितना अच्छा FPS आ रहा है, खैर ये ओरिजिनल गेम प्ले है जो हम कर रहे हैं, और देख सकते हो भाई 80 तक का FPS आ जा रहा है मीडियम और वेरी हाई के कॉम्बिनेशन की कुछ सेटिंग है जो इसने अपने से उठाई थी। और रैम यहाँ पे 8 से 9GB तक यूज़ हो जा रही है, और स्ट्रेस सिचुएशन में भी ये GTA 5 में मुझे लग रहा है 60 से ऊपर तक का FPS दे देगा, और एक्सटर्नल मॉनिटर में भी अगर आप इसे यूज़ करोगे तो भी GTA 5 मुझे लगता है 4K तक तो ये चला ही देगा। तो ये था एक GTA 5 के गेम प्ले, और 4K की बात कर रहे हैं तो चलो अब 4K मॉनिटर में भी इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो भाई ये रहा हमारा ROG Li, और देख सकते हो टाइप सी से डायरेक्टली हमने अपने 4K मॉनिटर में कनेक्ट कर दिया, जो कि 4K 60Hz वाला मॉनिटर है, और ये 4K रिजोल्यूशन में रन हो रहा है हमारा GTA 5। देख सकते हो भाई जैसे मैंने विंडो बटन दबाई, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें, ये मत समझना कुछ और कनेक्टेड है मॉनिटर से। और देखो भाई एकदम से मस्त 30 FPS दे रहा है 4K रिजोल्यूशन में, और GPU वोल्टेज की बात करें तो 33 वॉट तक GPU हमारा यूज़ हो जा रहा है। और जैसे ही मैंने टाइप सी प्लग किया ना, ये टाइप सी से चार्ज भी हो रहा है और टाइप सी से इसने स्क्रीन का आउटपुट भी दिया, तो ये बढ़िया चीज़ है। देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारी 4K में भी। बात करें एक्सटर्नल मॉनिटर की, तो मैंने एक्सटर्नल मॉनिटर प्रॉपरली कनेक्ट करके विद चार्जर माउस कीबोर्ड के साथ मैंने इसमें वैलोरेंट खेला, और मैंने सीरियसली वाला वैलोरेंट गेम खेला, और देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। FPS की बात करें तो यहाँ पे 200 से ऊपर तक का FPS मुझे मिला है, और काफ़ी अच्छा गेम चल रहा था यार। मैं काफ़ी दिनों से इसमें वैलोरेंट खेल रहा हूँ, और प्रॉपर मैं इसी पे वैलोरेंट खेल रहा हूँ एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करके। रिजोल्यूशन देख सकते हो खैर 1080p का है, और मैं मीडियम सेटिंग्स पे करके गेम खेल रहा हूँ, क्योंकि मीडियम सेटिंग्स और हाई सेटिंग्स में मुझे कुछ खास फर्क नहीं समझ में आया। बाकी वैलोरेंट का गेम प्ले देख ही सकते हो भैया कितना मस्त चल रहा है, और कोई परफॉर्मेंस वाली कमी नहीं महसूस हो रही है। तो अगला गेम हमने इसमें रन किया स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स, और माइल्स मोरेल्स में हमने अगेन सेटिंग रखी हाई वाला प्रीसेट 1080p का रेजोल्यूशन और 120 FPS ऑब्वियसली, और अपस्केलिंग मेथड यहाँ पे AMD FSR 2.1 ला यूज कर रहे हैं, और देख सकते हो हाई पे चल रहा है हमारा गेम। देख लेते हैं क्या आती है हमारी परफॉर्मेंस। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस गेम को शायद गेम पैड से खेलने में आपको पहले की मैप करनी पड़ेगी, ऑलरेडी मैप नहीं रहती हैं क्योंकि ये प्लेस्टेशन का एक्सक्लूसिव गेम था, तो ऑलरेडी की मैप नहीं रहेंगी, आपको अपने से की असाइन करनी पड़ेगी। खैर मैं कीबोर्ड माउस से खेल रहा हूँ। तो ये है माइल्स मोरेल्स का गेम प्ले, और यहाँ पे 33 तक का FPS हमको मिल जा रहा है, और बाकी GPU वोल्टेज हमारा 30 तक जा रहा है, और अगर थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आप कम कर लो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 40-45 तक का आराम से FPS मिल जाएगा, और स्टोरी ड्रिवन गेम में तो इतना FPS नॉर्मल होता है। रैम की बात करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे भैया 11-12GB की रैम यूज़ हो जा रही है। चलो भाई देख सकते हो ये था हमारा स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स का गेम प्ले, नेक्स्ट गेम रन करते हैं। तो अगला गेम हमने इसमें रन किया वही अपना छपरी गेम यानी साइबरपंक 2077, और इसमें जो हमने ग्राफिक वाला प्रीसेट रखा है वो मीडियम वाला प्रीसेट रखा है। देख सकते हो यहाँ पे टेक्सचर क्वालिटी वगैरह हाई है, बट इसने अपने से मीडियम प्रीसेट उठा लिया तो वही हमने रहने दिया, और इस पर टेस्ट करेंगे गेम, देखते हैं क्या आती है हमारी।
तो यहाँ पे देख सकते हो भैया साइबरपंक में भी हमारा 30-37 तक का FPS आ जा रहा है और काफ़ी अच्छा गेम चल रहा है यार। मेरे को एज सच कोई भी लैग अभी तक नहीं फील हुआ इतने देर से मैं गेमिंग वगैरह कर रहा हूँ। और देख ही सकते हो भाई गेमिंग परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन के सामने, और मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और सेटिंग में ट्यून अप करके आप और FPS ले सकते हो, क्योंकि मैंने टेस्टिंग पर्पज़ से जो सेटिंग थी वही रहने दी है। और बाकी देख ही सकते हो गेम प्ले आपकी स्क्रीन के सामने। सो गाइज ये था एक ROG Li का गेम प्ले टेस्ट, और देख लिया आपने सारे गेमिंग स्टैट्स वगैरह आपकी स्क्रीन के सामने आई गए, आपको रियलाइज हो गया होगा कि हाँ ये कैसी गेमिंग मशीन है। और आप चाहते हो कि मैं इसका कंपैरिजन स्टीम डेक से करूं, तो प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाओ वीडियो में, ज़रूर से मैं कंपैरिजन लाऊंगा, क्योंकि उसे भी मुझे कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट और प्यार दिखा दिया करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो कंक्लूजन देखो, मैं आपको बता दूं कि ये कैसे यूजर्स को टारगेट करता है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आपका PS5 का रिप्लेसमेंट है, एक्सबॉक्स का रिप्लेसमेंट है, या गेमिंग लैपटॉप का रिप्लेसमेंट है, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ये एक हैंडल डिवाइस है, ये एक पोर्टेबिलिटी के हिसाब से बनाया गया है, जिनको ट्रैवल करते हुए कहीं भी जाते हुए इसको कैरी करना है, जस्ट लाइक टैबलेट। तो एक तरह से ये कह सकते हैं एक टैबलेट का रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब टैबलेट में आप इतनी हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते, बट इसमें तो एक गेमिंग अच्छी खासी कर सकते हो, तो टैबलेट की जगह पे इसे खरीद सकते हो, बट लैपटॉप, PS5, एक्सबॉक्स इन चीजों की जगह पे नहीं खरीद सकते। और अगर आप एंट्री लेवल पे इसे खरीदना चाहते हो तो भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, तो भी मैं कहूंगा कि इस बजट का एक लैपटॉप खरीद लो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा डिवाइस है जैसे गेमिंग PC है, या फिर आपके पास PS5 एक्सबॉक्स है और आपको पोर्टेबिलिटी में गेमिंग नहीं मिल पाती है, तब के लिए आप इसे लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, ऐसे ही यूजर्स के लिए ये बना हुआ है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो स्टीम डेक, निंटेंडो या ROG Li, इन तीनों में से कोई एक चूज करना चाहते हो, तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ROG Li ले सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली इसका लुक्स एंड ऑल काफी अच्छा लगता है। कंपैरिजन प्रॉपर लाएंगे ROG Li वर्सेस स्टीम डेक या फिर निंटेंडो, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। और इसमें एक कॉन की बात करूं तो जो मुझे इसमें एक कॉन लगा वो है इसकी बैटरी। बैटरी एक बहुत बड़ा कॉन मुझे इसमें लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बैटरी बहुत मैटर करती है जब आप कहीं ट्रैवल करते हो या एक पोर्टेबल डिवाइस लेते हो, तो उसमें बैटरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी बैटरी मुझे उतनी खास नहीं लगी। अगर आप सिर्फ मल्टीमीडिया वाले काम जैसे वीडियोस वगैरह देखने वाले काम कर रहे हो, तो आप डिस्प्ले ब्राइटनेस कम कर सकते हो, रिफ्रेश रेट कम कर सकते हो, TDP पावर कम कर सकते हो, तब थोड़ी बहुत अच्छी बैटरी आपको मिल सकती है इसमें। सो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन ROG Li को लेके, सारी कमियां और अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपको आइडिया लग गया होगा कि ये एक नया गेमिंग डिवाइस है, तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कैसे यूजर होगी आपको लेना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, और कमेंट एक प्यारा सा मेरे लिए कर देना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।